उसके बारे में बस इतना कहूँगी कि हम हमेशा चाहते हैं कि हम हमेशा अच्छे बन के रहें, दूसरों के सामने अच्छा बन के दिखाना चाहते हैं, और उस बेहतर बनने के चक्कर में हमें कई बार बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। सबको दिखाना पड़ता है कि भाई हम बहुत अच्छे हैं, पर जब हमें अच्छा बनना होता है तो अच्छे बनने के जो वो पड़ाव है वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें जो सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं उसके लिए एक छोटी सी तरीका। हाँ इस दिल को बहुतों ने तोड़ा है, हाँ इस दिल को बहुतों ने तोड़ा है, कभी समाज कभी संस्कार कभी मेरे अपनों ने, कभी समाज कभी संस्कार और कभी मेरे अपनों ने ही तोड़ा है। अच्छा बनने की चाह ने मुझे अंदर तक झंझोड़ा है। काश कोई समझ पाता इस पीड़ा को, काश कोई समझ पाता इस पीड़ा को, और कर देता स्वतंत्र मुझे समाज संस्कार और मेरी खुद की ही अच्छाई से, क्योंकि क्योंकि खुद को कतरा कतरा तोड़कर मैंने अपनों को जोड़ा। अब जो मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ ये एक फौजी की बीवी के मन की बात है। जब हमारे जवान सरहद पर देश की सेवा के लिए चले जाते हैं तो एक फौजी की बीवी के मन में जो एक खालीपन होता है वो क्या सोचती है वो सुनिए। तुम जो हर बार छोड़कर चले जाते हो, तुम जो हर बार छोड़कर चले जाते हो, ले जाते हो बहुत कुछ अपने साथ, ले जाते हो बहुत कुछ अपने साथ, ले जाते हो सुकून, ले जाते हो सुकून मेरा प्यार, ले जाते हो मुस्कान मेरी, ले जाते हो मुस्कान मेरी, ले जाते हो माँ बाबूजी की नींद, ले जाते हो माँ बाबूजी की नींद, ले जाते हो मेरे मन में उठने वाली हर उमंग, और त्योहारों की खुशियाँ ले जाते हो हमारे बच्चों का खिलखिलाता हुआ चेहरा जो लौटता है तुम्हारे आने के बाद। अब एक कविता मैं सुनाने जा रही हूँ, वो एक प्रेमी के मन की बात है। हमेशा महिलाओं के मन की बात बताती हूँ तो आज मैं फर्स्ट टाइम एक प्रेमी के मन की बात कर रही हूँ, जिसमें कि वो अपनी प्रेमिका को याद कर रहा है और वो उसको याद करके दुखी नहीं है। उसके मन में उसके प्रति द्वेष या फिर एक उलाहना की जो भावना होती है उस तरह का कुछ नहीं है, वो उसे प्रेम से ही याद कर रहा है। तो किस तरह से याद करते हैं तो सुनिए, लंबी कविता है, थोड़ा ध्यान आराम से सुनो। बहुत दिनों के बाद बताता हूँ एक मन की बात, बहुत दिनों के बाद बताता हूँ एक मन की बात, तुमसे अलग होने के बाद बहुत रोया था मैं छत पर जब, जब तुमने बताया शादी है सब कुछ जैसे बिखर सा गया, पर नहीं देखना चाहता था तुम्हें कमजोर पड़ते, बस कही थी एक ही बात, दिल से अपना, दिल से अपनाना, अपना नया संसार बना, मेरी यादों में धूमिल मत होने देना पति का प्यार, मेरी यादों में धूमिल मत होने देना पति का प्यार, उसने सर हिलाया था हाँ मैं, घंटों सोचा करता था तुम्हें यूं ही सुनसान कमरे में, घंटों सोचा करता था तुम्हें यूं ही सुनसान कमरे में, एक तरफ तुम्हारी बोलती आंखों को याद किया करता था। कुछ सालों बाद दोबारा मुलाकात हुई, कुछ सालों बाद दोबारा मुलाकात हुई, तुम अपने अंश को दुनिया में लाने वाले, देखकर सुकून आया मन को कि तुम रच बस गए हो अपने संसार में, तुम्हारी बोलती रच बस गई हो अपने संसार में। उसके बाद सालों मुलाकात नहीं हुई, अब मैं भी नई दुनिया बसा चुका था, पर आज भी भीम में तुम्हारे होने के एहसास को पहचान पाता, पर आज भी भीड़ में तुम्हारे होने के एहसास को पहचान पाता हूँ, ये उस दिन पता चला
ये जानकर अच्छा लगा कि तेरी निगाहें ढूंढ लेती हैं मुझे आज, तेरी निगाहें ढूंढ लेती हैं मुझे आज भी। तुम्हारी बोलती नजरों ने मेरा नाम लिया था और मैंने देखा था तुम्हारी तरफ। आज भी वही एहसास सोचकर एक पल को सकपका गया था, पर अगले पल बीवी ने सोते हुए जगाया। अरे बहुत देर हो गई, चाय बना दी है। मैं मुस्कराया, सपने में ही सही तुमसे मुलाकात तो हुई।